तो यहाँ पर अगर आप पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप पोको एक्स थ्री प्रो यूज़र्स के लिए भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और नया अपडेट पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज किस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ पर एक और नया अपडेट पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर देखने को मिला है, अपडेट का वर्जन क्या है, अपडेट का साइज़ क्या है, एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपके पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या कहने फीचर्स देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो को जोर से लास्ट तक देखना। पर भाई उससे पहले चैनल पे नए आ रहे हो और पोको के एक्स थ्री प्रो डिवाइस को आप यूज़ करते हो तो भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप ज़रूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर पे जो भी अपडेट Xiaomi पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर रिलीज़ करेगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, क्योंकि डाउनलोड लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोको एक्स थ्री डिवाइस के लिए जो न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है वो ग्लोबल पे देखने को मिला है। जी हाँ, ग्लोबल पे MIUI 13.0.5.0 वर्जन के दौरान पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के लिए एक और नया अपडेट यार Xiaomi की तरफ से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास भी पोको का एक्स थ्री प्रो ग्लोबल वेरियंट है तो अभी कभी सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स पर जाओ, उसके बाद अबाउट फोन पर जाओ, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेटर सेक्शन पर जाके आप देखो ये जो MIUI 13.0.5.0 अपडेट है ग्लोबल वेरिएंट यूज़र्स के लिए यानी पोको X3 Pro ग्लोबल यूज़र्स के लिए, यह अपडेट आपके पोको X3 Pro डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला है या फिर आपके डिवाइस के अंदर यह अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है वह मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आपके डिवाइस के अंदर यह अपडेट आपको देखने को मिल गया है तो भाई बहुत बहुत ही बढ़िया बात है, और यह अपडेट आपके पोको X3 Pro डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको लास्ट तक देखते रहो, कैसे आपको अपडेट मिलेगा एंड कैसे आपके पोको X3 Pro डिवाइस का अभी के अभी अपडेट करेंगे वो सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो बिना एक सेकंड स्किप करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो इसमें वो 13.0.5.0 अपडेट की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 349 MB यानी 350 MB के आसपास 349 MB के दौरान एक मीडियम साइज़ का अपडेट देखने को मिला है ग्लोबल पे पोको X3 Pro यूज़र्स के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये जो MIUI 13.0.5.0 न्यू अपडेट है ग्लोबल यूज़र्स के लिए पोको X3 Pro डिवाइस के लिए, इस अपडेट के बाद ग्लोबल पे आपके पोको X3 Pro डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली क्या कहने फीचर्स देखने को मिलता है भाई। तो सिस्टम पे सबसे पहले अपडेटेड एंड्रॉयड 6.2 जुलाई 2022, जी हाँ ये सबसे ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा, इस अपडेट के बाद आपके पोको X3 Pro डिवाइस के अंदर आपको जुलाई महीने का लेटेस्ट एंड्रॉयड 6.2 देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ये जुलाई महीना चल रहा है तो ग्लोबल पे आपको एकदम लेटेस्ट महीने का एंड्रॉयड 6.2 देखने को मिला है जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गुड न्यूज़ हो जाता है पोको X3 Pro यूज़र्स के लिए। उसके बाद इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो इसमें हुआ है 13.0.5.0 न्यू अपडेट के बाद पोको X3 Pro डिवाइस का जो सिस्टम का सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव एंड इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद देखो सिस्टम पे आपको एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर मिलता है वो है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, जी हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपके पोको X3 Pro डिवाइस का जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है एंड सिस्टम का स्मूथनेस है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी MIUI 13.0.5.0 इस अपडेट को करने के बाद आपका पोको X3 Pro डिवाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है, यानी आपका पोको X3 Pro डिवाइस पहले के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। आप नॉर्मल एप्लीकेशन के यूज़ करोगे या फिर गेम खेलोगे, कैमरा के यूज़ करोगे, फोटोग्राफी करोगे, कोई भी काम करोगे तो ये जो MIUI 13.0.5.0 अपडेट है इस अपडेट के बाद आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर Xiaomi की तरफ से इम्प्रूव कर दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फीचर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों के पोको X3 Pro डिवाइस के अंदर ग्लोबल पे बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को मिलता था, यानी यार जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पर ये जो MIUI 13.0.5.0 न्यू ग्लोबल अपडेट है इस अपडेट के बाद पोको X3 Pro डिवाइस का जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया गया है, यानी आपको बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम पहले के मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिलेगा इस अपडेट के बाद, यानी आपका बैटरी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा एंड और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा
इस MIUI 13.0.5.0 अपडेट के बाद। उसके बाद लास्ट फीचर की बात करें तो बहुत सारे लोग पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर गेम खेलते हैं, कोई पबजी खेलता है तो कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई भाई यहाँ पर BGMI खेलता है। तो इस MIUI 13.0.5.0 न्यू अपडेट के बाद पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। यानी इस अपडेट को करने के बाद आपको गेम खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपके पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर। यानी आपको स्टेबल फ्रेम रेट के साथ एकदम स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अपडेट को करने के बाद पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर ग्लोबल पे। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कौन से नया फीचर देखने को मिलता है MIUI 13.0.5.0 न्यू अपडेट के बाद यहाँ पर ग्लोबल पे पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये जो MIUI 13.0.5.0 न्यू अपडेट है पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के लिए यार ग्लोबल यूजर्स के लिए। आपके डिवाइस के अंदर ये अपडेट अगर आपको देखने को नहीं मिला है या फिर आपके पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर ये वाला जो अपडेट है आके चला गया है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अभी के अभी अपडेट करना चाहते हो आपके पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस को तो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाओ। आपको यहाँ पर रिकवरी रॉम का लिंक या फिर OTA लिंक दोनों में से एक लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको कोई कुछ भी फाइल को डाउनलोड करना है एंड चूज़ अपडेट पैकेज के थ्रू आपके पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस को आपको मैनुअली अपडेट कर लेना है अगर आप अभी के अभी अपडेट करना चाहते हो तो। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अभी अपडेट करना नहीं चाहते हो ऑफिशियल अपडेट को वेट कर रहे हो तो कम से कम 7 से लेकर 10 दिन वेट करो क्योंकि अभी सभी यूज़र्स को देखने को नहीं मिला ये अपडेट ग्लोबल पे। तो सभी पोको एक्स थ्री प्रो यूज़र्स को मिलने में कम से कम यहाँ पर 1 हफ्ता टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपकी दोस्त के पास अगर पोको एक्स थ्री प्रो का ग्लोबल वेरियंट है तो ये वाला वीडियो आपके दोस्त के पास शेयर जरूर से कर देना। और भाई चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पर देखो फ्यूचर पे पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस के अंदर ग्लोबल पे या फिर इंडिया पे जो भी अपडेट रिलीज होगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो बस यार इतना ही।